नमस्कार। दुनिया के महानतम समाज सुधारक और परोपकारी संत संत रामपाल जी महाराज जी का 72वां अवतरण दिवस 8 सितंबर 2022 को आ रहा है। अपने दोस्तों और सहकर्मियों के बीच जेई साहब कहलाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी कब और कैसे शास्त्र प्रमाणित ज्ञान देने वाले विश्व के एकमात्र संत बन गए। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। आसा वासा संत का ब्रह्मा लखे न वेद, षट दर्शन खटपट करे कोई बिरला पावे भेद। वेद थके ब्रह्मा थके, थाके शेष महेश, गीता को ज्ञान नहीं पूर्ण संत का क्या परिवेश। दर्शकों, ऐसे अनेकों संतों व महात्माओं की मार्मिक वाणी हमें बहुत जगह सुनने को अवश्य ही मिल जाएगी, जिसमें संत व पूर्ण संत की व्याख्याएं मिलती हो। वास्तव में परमात्मा के भेजे हुए अधिकारी संत के लिए संत शब्द ही काफी है, किंतु वर्तमान में अनेकों महात्मा, ऋषि महर्षि, आचार्य शंकराचार्य स्वयं को संत शब्द से संबोधित करते हैं, जिससे अधिकारी संत का पता लगाना संभव नहीं हो पाता। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता, वेद, कुरान, बाइबल आदि उस अधिकारी संत को तत्वदर्शी संत या बाखबर कहकर संबोधित करते हैं। वर्तमान में संपूर्ण ब्रह्मांड में एकमात्र संत संत रामपाल जी महाराज जी ही पूर्ण परमात्मा के भेजे हुए अधिकारी संत हैं। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 से प्रमाणित करते हुए तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है, जिसमें लिखा है कि जो संत संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष का मूल यानी जड़ व शाखाओं सहित सभी विभागों को विस्तार से बताएगा, वह तत्वज्ञान को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत होगा। और संत रामपाल जी महाराज जी ही वह तत्वदर्शी संत हैं, जिन्होंने गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 1 के अनुसार संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष को मूल सहित पूर्णतः विस्तार से बताया है। गीता अध्याय 17 के श्लोक 23 में भी प्रमाण मिलता है, ओम तत् सत् इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविधे समर्थे ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। भावार्थ, इस श्लोक में ओम तत् सत् इन मंत्रों का त्रिविध अर्थात तीन विधि से परमात्मा का जाप करने का निर्देश दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज जी ही परमात्मा द्वारा भेजे गए अवतरित गुरु हैं, जो अपने साधक को तीन विधि से ही मंत्र दान अर्थात नामदान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अतिरिक्त विश्व में और कोई भी धर्म गुरु तीन बार में नामदान नहीं करते। पूर्ण संत व सद्गुरु वो होता है जो सभी शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान व भक्ति विधि बताता है, और संत रामपाल जी महाराज जी ही ऐसे सद्गुरु व संत हैं जो सभी धर्मों के सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान व भक्ति विधि बताते हैं। कबीर साहिब जी ने अपनी अमृत वाणी में बताया है कि गुरु के लक्षण चार बखाना, प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन करम वाणी, तीजे सम दृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये चार गुरु गुण जानो मर्मा। पवित्र कबीर सागर में बताई गई पूर्ण गुरु की पहचान पर भी संत रामपाल जी महाराज जी खरे उतरते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी वेदों व शास्त्रों के ज्ञाता हैं। वे स्वयं भी मन कर्म वचन अर्थात सच्ची श्रद्धा से पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं और अपने अनुयायियों से भी करवाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी सभी अनुयायियों से समान व्यवहार करते हैं। उनके सभी आश्रमों में सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलती है, एक जैसा ही व्यवहार होता है। संत रामपाल जी महाराज जी सभी क्रियाएं वेदों अनुसार ही करते हैं व करवाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वास्तव में पूर्ण सद्गुरु हैं। पूरे ब्रह्मांड में केवल जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ही सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, जिससे साधक को सर्व लाभ प्राप्त होते हैं। अन्य पंथों के धर्मगुरु, आचार्य व ऋषि महंत शास्त्र विरुद्ध साधना बताते हैं, जिसे करने से साधक को कोई लाभ नहीं मिलता, जिससे मानव समाज को भक्ति करते हुए भी कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। और इस बात को मद्देनजर रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी पंथों के धर्म गुरुओं के ज्ञान को जानना शुरू किया और फिर अपने तत्व ज्ञान से उनके अज्ञान का पर्दाफाश किया, जिससे सभी धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ हो गए।
जिस कारण संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी पंतों के धर्म गुरुओं को पत्र भेजकर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया, ताकि पूरा मानव समाज सही व गलत भक्ति मार्ग की पहचान करके सही रास्ता चुन सके और अपना कल्याण करवा सके। परंतु ज्ञान चर्चा का आमंत्रण पत्र मिलने पर कोई भी संत, महंत, ऋषि, आचार्य व धर्म गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान चर्चा करने को तैयार नहीं हुआ और सब शांत हो गए। कुछ समय उपरांत संत रामपाल जी महाराज जी ने साधना टीवी की टीम की मदद से सभी धर्म गुरुओं के आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर इंटरव्यू के माध्यम से ले लिए और साधना चैनल पर उनके अज्ञान व अपने तत्वज्ञान के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की वीडियो रिकॉर्डिंग चला दिए, जिसे देखकर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जागृत होने लगे और संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी पुस्तकें मंगवाकर पढ़ते और उनके ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मिलान करते। संत रामपाल जी महाराज जी के तत्व ज्ञान से परिचित होकर भगत समाज संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने लगे और वर्तमान में भी आ रहे हैं। नेशनल चैनल साधना चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कई दिनों तक चलाई गई, फिर भी किसी भी संत ने संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ नहीं कहा और ना ही उनके खिलाफ आवाज उठाई, क्योंकि ज्ञान चर्चा में संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर कर दिया था, जिस कारण किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। परंतु कुछ आचार्यों ने ज्ञान का जवाब ज्ञान से न देकर हिंसा का मार्ग चुना और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पर हमला बोल दिया और संत जी पर झूठे आरोप लगा दिए। कबीर साहिब जी यह बात अपनी अमृत वाणी में भी कहते हैं, जो मम संत सत उपदेश त्रिडावे, बाके संग सब रार बढ़ावे, या सब संतन महंतन की करणी, धर्म दास मैं तो सेवरणी। अर्थात मेरा जो संत सच्चे ज्ञान का प्रचार करेगा, उसके साथ सभी झगड़ा करेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे व षड्यंत्र करेंगे। इन सब के बावजूद भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान रुका नहीं, बल्कि और तेजी से बढ़ने लगा और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लोग संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ग्रहण करने लगे। इन सभी प्रमाणों से जाना जा सकता है कि संत रामपाल जी महाराज जी कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। वास्तविक प्रभु की जानकारी देने वाले संत हैं संत रामपाल जी महाराज। जन्म मरण की जानकारी देने वाले व अपने साधक को जन्म और मरण के भयंकर रोगों से मुक्त करवाने वाले परमात्मा के भेजे हुए एकमात्र अधिकारी संत हैं संत रामपाल जी महाराज। सतलोक की सही व सच्ची राह बताने वाले संत हैं संत रामपाल जी महाराज। लोक वेद, पाखंडवाद व अज्ञान का पर्दाफाश करने वाले गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज। समाज का जड़ से सुधार करने वाले समाज सुधारक हैं संत रामपाल जी महाराज। सभी धर्म गुरुओं को निरुत्तर करने वाले तत्वदर्शी संत हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरे विश्व का कल्याण करने वाले विश्व गुरु अर्थात जगत गुरु हैं संत रामपाल जी महाराज। अर्थात वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ही तत्वदर्शी संत हैं। उनकी बताई साधना से साधक को सर्व लाभ मिलते हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि अपने शास्त्रों का अध्ययन कर पूर्ण संत की पहचान करें और पूर्ण संत संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाए। आछे दिन पाछे गए गुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरियाणे नू। आज की हमारी खबर में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।